सम्मान योग गुरु रूप साध संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख दे प्राणा विच जो प्यास है, तड़प है, खिच है, वो अनंत विच सब कुछ आ जाता है। अध्यात्मक बल, समाधि, परम रस, परम शांति, निर्वैरता, निर्भयता, तमाम दैवी गुण, इंज कह लो सारे रब्बी गुणा नो जे किधरे एक शब्द विच बयान करना होवे ते इतना ही कह देना काफी है, आनंद इहदे सब कुछ आ गया। ते मैं यह भी अर्ज करदे आ, आनंद नू किधरे सुख ना समझ लेना, सुख सीमित होंदा है और सुख नू दुख विच बदलदिआं देर नहीं लगती। सारियां दी जिंदगी दा यह अनुभव होवेगा, कल तक जो सुख सी वह अज दुख बन गए। हर वह वस्तु जो किसी वक्त सुख प्रतीत आती है, लाजमी नहीं वह सुख हमेशा ही होवे, वह दुख विच बदल जाता है। लेकिन आनंद अपनी एक थां ते है, आनंद सीधा परमात्मा तो मिलता है, सुख पदार्थां तो मिलता है। ते पदार्थ परमात्मा की छाया ने, महामाई तांकी है छाया, दरख्त की छाया ले सानू कोई उपर उठन की लोड़ नहीं है, छाया जमीन ते भी मिल जाती है। पदार्थां नू प्राप्त करन लई, तियां पुत्रां दी पूर्ति करन लई, संसारिक जस प्रभुता हासिल करन लई कोई सुरत उच्ची करन दी लोड़ नहीं है। निर्वैर बनन दी, निर्वय जो है निर्भय बनन दी, दयालु बनन दी, इस तरह दी कोई लोड़ नहीं है। बड़े बड़े कठोर बंदियां दे वी तियां पुत्र हैगे ने और बड़े बड़े जालम लोकां कोल भी सदा है सी, बड़े बड़े दुष्ट मनुखां कोल भी संसार दे सुख है सन। सुख दी प्राप्ति लई कोई सुरत उच्ची करन दी लोड़ नहीं है। इस वास्ते मैं अर्ज करा, बड़े बड़े नीवे मनुखां कोल भी थानू दुनियावी सुख मिलणगे, बड़े बड़े दुष्ट बंदियां कोल भी थानू संसार दा सुख मिलेगा। क्योंकि सुख की है, संसार एक पदार्थ, यह दरखत दी छाया है, परमात्मा रूपी दरखत दी छाया है। छाया बदलती रहती है, अज इस पासे कल उस पासे, छाया दिच पलटा है। छाया जमीन ते मिल जाती है, जमीन तो उपर उठन की लोड़ नहीं है, पर फल चाहिए है। हो सकता दरख्तां दे फल जमीन दे ते गिरे भी मिल जान, मिलते हैं। नाम दा फल, आनंद दा फल जमीन ते गिरिया होया नहीं मिलेगा, सुरत उच्ची करनी पएगी, बहुत उच्ची करनी पएगी। वो चढ़ाइयां दा मार्ग है जिसनों भगत कबीर ने कहा है कि जह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औघट घाटी राम की ते चढ़ रहे हो कबीर। जिस रस्ते ते चतर चलाग ते कर्म कांडी मनुख चल पे ने, दुनिया बहुत उन्हां दे पिछे है, बहुत। जो कह दिन 10 मिनट दे समाधि लग जाएगी, असी थोड़ी मनोकामना दी पूर्ति कर देंगे। ऐ तवीज ले जाओ, फलाना काम थोड़ा हो जाएगा। इस तरह के लोगों के पिछे बड़ी भीड़ है, क्योंकि इस तरह के लोगों के पिछे चलन लई कोई उच्चा नहीं उठना पैंदा। यह भी मैं अर्ज करते हैं, कतई उच्चा नहीं उठना पैंदा। पर जे कबीर के पिछे चलना होवे, कबीर ते घाटी का मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है। कबीर का ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष को घट नहीं है, पर कबीर के पिछे कोई भीड़ नहीं है। कबीर निवाण का रस्ता नहीं चुनते,
ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਔਗਟ ਗਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਢਾਰਸ ਵੱਜੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇਬੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਚਰਚ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਮੰਗ ਤੇ ਤਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫਲੇ ਜਾਂ ਬੜ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਟ ਗਏ, ਰਾਸਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕੁਛ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਖੱਪ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸਤਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੰਬਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਛਿੰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਦਿਆਂ ਚਾੜਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਉਣ ਲਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਵੇ। ਰੰਗਨ ਰੰਗੋ ਸੀਵਨ ਸੀਵੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਰੰਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੰਢਦਾ, ਇੱਧਰ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਰਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੰਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਗੰਢਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਮਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਗੰਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦਿਆਂ ਗੰਢਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਿਆਂ ਗੰਢਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗਦਿਆਂ ਰੰਗਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਵ। ਸਿਰਫ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਣਦਾ ਬਲਕਿ ਸੁਰਤ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੈਸਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਕਾਫਲੇ ਜਾਂ ਬੜ ਗਏ ਜਾਂ ਮਿਟ ਗਏ, ਰਾਸਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਸਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕੁਛ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਉਜੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦਾ। ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਜੂਏਖਾਨਿਆਂ ਦੇ 'ਚ, ਮਹਿਖਾਨਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਰੌਣਕ। ਰਾਸਤੇ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਛਾਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕਰੇ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਲੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਆਲਸ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਬਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਨਿਜ ਅਧਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਬੁਕਤ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਸੁਹੱਪਣ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਰੂਪਤਾ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਨਫਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੌਤ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੱਧਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨਾ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਜਪ, ਤੇ ਜਪ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਗਿਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਤਨੀ ਇਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਤਨੇ ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਲਾਮੀ ਮੰਤਰ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਇਸੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਐਸਾ ਹੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਹੋ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਤੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਕਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਰਾਈ ਜਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੋਸ਼, ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ
कुछ होर कहना सी वह कहन लगा गहनी जी थोड़ी कथा च भी मैं पुनरुक्ति दिखाई दे दी रिपीटेशन और कहन लगा एक शब्द च गुरु ग्रंथ साहब के एक शब्द से जड़ी गल है दूजे तीजे च भी हुई है चौथे पंजवें च भी हुई है और मैं कहन लगा मुदतां तो थानू सुन रहा तुसी भी घूम फिर के उत्थे ही आ जाते हो पुनरुक्ति रिपीटेशन ये दोष है। मैं कह दोष तू मनदा होवेगा साहित्यकार मनते होंगे प्रकृति नहीं मनती परमात्मा नहीं मनता मैं नहीं मनता। मैं कह पुनरुक्ति ते ही जीवन है। कहन लगे किस तरह जीवन है जिंदगी किस तरह पुनरुक्त हो गई। मैं कह देखो एक श्वास हुण तू अंदर लै गया है ते हुण एक बार आया है हुण मुड़ के अंदर ना ले जाई ते रिपीट हो जाएगा ये तो पुनरुक्ति हो जाएगी ये दोष है। बार बार श्वास क्यों लेना एक कोई दफा लै नबज बार बार चल रही है दिल बार बार धड़कता है श्वास ग्रास बार बार चलते ने पृथ्वी के उत्ते दिन बार बार आंदा है रात बार बार आंदी है पानी बार बार पीने रोटी बार बार खाने एक कोई दफा जिंदगी खानी चाहिए है। बार बार क्यों खाना सवेरे खा ली दोपहरे खा ली शामी फिर खा रहे हैं क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं ये रिपीट क्यों कर रहे हैं बार बार पानी पी रहे हैं बार बार भोजन छक रहे हैं बार बार श्वास ले रहे हैं बार बार दिल धड़क रहे हैं बार बार नबज चल रही है पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं बार बार रात आ रही है। कहन लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहन लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी बार बार हर के गुण गाओ पातशाह दी बाणी कहती है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता धुन रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बार इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास विरास दे पूरे हो जाते हैं राम पूरा हो जाता है ओम पूरा हो जाता है वाहेगुरु पूरा हो जाता है अल्लाह हो इसी च पूरा हो जाता है। ते अपने अपने जप करन वालियां दे मंत्र ने जगतगुरु बाबा कहिंदे भी ने कोई बोले राम राम कोई खुदा कोई सेवे गुसैया कोई अल्लाह कोई अल्लाह अल्लाह कहता है मंत्र ने। भुख ते सारियां दे अंदर इको है भोजन सारियां दा एक नहीं है। एक कौम दा भोजन भी एक नहीं सारी दुनिया दा भोजन तो एक है ही नहीं खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तां बंगालियां दा खाना कुछ होर है ते कर्नाटकियां दा कुछ होर है महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने आंध्रा प्रदेश की खुराक कुछ होर है तमिल केरला की खुराक अलग है पहरावे भी अलग ने गुजरातियां दा खाना कुछ होर है राजस्थानियां दा कुछ होर है पंजाबियां की खुराक कुछ होर है लेकिन भुख कुछ होर नहीं भुख सारियां दी इको है भोजन एक नहीं है भुख इको है और खाण का मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे रस आवे भुख मिटे लेकिन भोजन एक नहीं है अंदर ते तड़प सारियां दे इको है प्रभु मिले परमात्मा मिले परम आनंद मिले सुकून मिले शांति मिले चैन मिले आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है भजन भी एक नहीं है अलग अलग है। भोजन कोई वक् वक् खाया सी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहा अपने ढंग नाल क्यों खांदा रहा झगड़ा नहीं है। भोजन दी दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है भजन दी दुनिया झगड़ा है तू राम राम क्यों आखदा पाया अल्लाह क्यों नहीं कहता कि तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं वाहेगुरु क्यों नहीं कहता ये झगड़े हैं और बड़े व्यापक झगड़े ने बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारियां च इको है भोजन एक नहीं है परम आनंद की तड़प सारियां च इको है
भजन एक नहीं है, अलग अलग है, पर ये अलग अलग भजन दा होना उना लोकां नू परवान नहीं जिन्हां नू कदी भजन दा रस आया ही नहीं। जिन्हां नू रस आ गया उन्हां दी गल कुछ होर हो जांदी है। वो ते कह दिंदे ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है, वो ते इंज कह दिंदा है। और हाफिज कहिंदा है, हाफिजा गर वसल फाही सुला कुन बा खास व आम। कहिंदा रब दा विसाल चाहना है, रब दा मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुला कर ले, हर एक नाल। और हाफिज ते कहिंदे सन ओही रब दे नेड़े है जो संसार दे नेड़े है, ओही खुदा दे नेड़े है जो मखलूक दे नेड़े है। जो मखलूक तो दूर है खुदा तो भी दूर है, जो बंदियां तो दूर है हो नहीं सकता वो रब दे नेड़े होवे। जिहड़े विचार बंदे नू बंदे नाल ना मिलन देन, यकीन जानना वो विचार बंदे नू रब नाल भी नहीं जुड़न देणगे, पक्की गल। जिहड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार मनुख ते खुदा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने, मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते मैं समझदा सदियां तो अनंत काल तो दीवारां ही खड़ी जा करी जा रहे, नवियां तो नवियां, पुरानियां टुटदियां नहीं पईयां, नवियां होर खड़ियां हो रही। पुराने मसले हल नहीं होंदे नवे होर, बंदा बंदे तो दूर होंदा गया, बहुत दूर। भावें साइंस बड़ी नेड़े ले आई है, अज कोई दूरी जमीन की दूरी ते नहीं रही, पर बंदा बंदे तो बहुत दूर हो गया, मनुख मनुख तो बहुत दूर है। पाकिस्तान ते पड़ोस दे च है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, बड़ा दूर है। जमीन दे तल ते नहीं, हिरदे दे तल ते बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, मिलना ही औखा है। ते पाकिस्तान दी ते गल छड्डो, हिंदुस्तान दे च रहण वाले हिंदू ते मुसलमान बहुत दूर ने, बहुत दूर ने, बड़ी भयंकर दूरी है। राम ते खुदा दी बहुत वड्डी दूरी है, भावें दूरी नहीं है पर मनुख ने कर दित्ती है। राम खुदा दे नेड़े नहीं है, खुदा राम दे नेड़े नहीं है। इस वास्ते सारे हिंदू समाज का जोर सी मस्जिद गिरा दई है, इत्थे खुदा दी गूंज आउंदी है। और सारे मुसलमानां दी कोशिश सी मस्जिद नूं बचाईए, या किसे वक्त बाबर ने मंदिर गिराया, बाबर कोल ताकत आई, उसने मंदिर गिरा के मस्जिद खड़ी की थी। अजोके सताधारियां कोल सता आई, इन्होंने मस्जिद गिरा के मंदिर खड़ा कर दिता। एक ने मंदिर गिराया, एक ने मस्जिद गिराई, मेरे सामने है। जब मंदिर गिरया सी, हजारा हिंदू जारो जार रोए सन, जब मस्जिद गिरी सी तड़पे सन मुसलमान इस तरह जिमें जल तो बिना मछली तड़पती है। तो बड़ी अफरा तफरी मची सी। सबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल हरियाणा तो, इसने पार्लियामेंट दे आवाज उठाई, मसला हल हो सकता है, इनू गुरुद्वारा बना दो। राम की धुन भी गूंजती रहेगी, अल्लाह भी गूंजता रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश कर दो, कि उन्हें पार्लियामेंट दे बोल बोले सन, अखबारां छपे सन, इसनू गुरुद्वारा बना दो। मस्जिद ढाण की लोड़ नहीं पेगी, मंदिर नाल नफरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह की धुन भी गूंजती रहेगी, राम की धुनी भी गूंजती रहेगी। पर हर एक को इतनी अकल थोड़ी होंगी, हर एक को इतनी सियाणप थोड़ी आती है। सता की ताकत विच बाबर आया, उन्हें मंदिर गिरा दिता, सता की ताकत विच अजोके आए, इन्होंने मस्जिद गिरा दिती। जब मंदिर गिरया सी हिंदू जारो जार रोया सी, जब मस्जिद गिरी मुसलमान जारो जार रोया तड़पे। मस्जिद दीवार बन गई, मंदिर दीवार बन गए, बंदे बंदे का मिलना औखा,
और जो मस्जिद दीवार बन जाए यकीन जानो खुदा दा घर नहीं है। जो मंदिर दीवार बन जाए औखे ना होना भगवान दा घर नहीं है। और जिड़ा गुरुद्वारा दीवार बन जाए सिख दा सिख नाल मिलना ही औखा हो जाए। लोगों ने वंडे हुए ने, मैं तो देख के दंग रह गया। इधर मलेशिया सिंगापुर के मलवइया का गुरुद्वारा है, ये दुआबिया का है, ये जटा का है, ये मजहबिया का है, ये रामगढ़िया का है। गुरु का गुरुद्वारा केड़ा है, गुरु का द्वार केड़ा है? कोई रामगढ़िया का, कोई जटा का, कोई मलवइया का, कोई दुआबिया का। और एक गुरुद्वारे का नाम उन्होंने रखे है पापिया का गुरुद्वारा, मलेशिया के सिंगापुर के, ये पापिया का गुरुद्वारा है। फिर गुरु का दर केड़ा होया? कोई पापिया का हो गया, कोई जटा का हो गया, कोई मलवइया का हो गया, कोई दुआबिया का हो गया, कोई रामगढ़िया का हो गया। और हैरानगी की गल, इंग्लैंड मजहबिया का भी बन गया, मजहबिया का है। और सिंगापुर भी है, यह मजहबिया का गुरुद्वारा। पर गुरु का द्वार केड़ा होया? मैं उस करा जिहड़ा गुरुद्वारा भी बंदे ते बंदे दे इसकार दीवार बन जाए, वो किसी बंदे का घर हो सकता है। ठीक है, रामगढ़िया का हो सकता है, जटा का हो सकता है, पापिया का हो सकता है, दुआबिया का हो सकता है, मलवइया का हो सकता है, गुरु का नहीं। गुरु का द्वार तो सारिया दीवारों तोड़ता है, वो तो सारी दुनिया की दीवारों तोड़ता है। और गुरुद्वारे कोई दीवार खड़ी कर दे, उसकी खड़ी की होगी, गुरु ने नहीं खड़ी की। इतनी मैरस करते हैं। एक गल वक्री, इस तो अगे मैं कह पता नहीं शब्द थानू हजम आते हैं कि नहीं, पर इतनी गलते स्पष्ट।